दिवस संथालों द्वारा शुरू किए भारत की आजादी की क्रांति की का दिवस कुल दिवस, और उसकी मीनिंग भी समझाऊंगा, बात भी करूंगा, और बात करने के लिए हमारे साथ आज होंगी, उनका परिचय फिर दोबारा नहीं दूंगा, प्रोफेसर सोना झरिया मिंग, जेएनयू की प्रोफेसर रही हैं, अभी सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, और इनसे बात करना अगर आज नहीं कर पाता तो कुछ कमी रह जाती, क्योंकि सबसे बड़ा संस्थान मैं समझता हूं अगर सिद्धू कानू के नाम पे कुछ है तो विश्वविद्यालय है, और कोई संस्थान मेरे जहन में नहीं आता है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है, और पेश है अंबेडकर नामा। फूल दिवस, फूल मतलब क्या होता है, क्रांति आंदोलन। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इसका जिक्र किया है, और इसे कहा है कि सशस्त्र जनक्रांति थी। जनक्रांति का मतलब आंदोलन नहीं होता है, वो युद्ध होता है, और इसका मतलब है कि सिद्धू कानू, उनके दो और भाई जिनका नाम मैं ले लेता हूं, चांद भैरव और साथ में थे फूलो झानो, इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ 1857 से पहले सशस्त्र क्रांति की थी। उनको फांसी पे लटकाया गया था, 10 साल आंदोलन चलता रहा, और क्या वो विरासत आज भी जिंदा है? क्या है आदिवासियों की संस्कृति, क्या आदिवासियों के साथ जो अंग्रेज कर रहे थे वही आज हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं, इसमें मैं बात करूंगा। प्रोफेसर मिंज, आपका स्वागत है। जी, हुल जोहार। हुल जोहार। और आप जब आती हैं, मेरे वी फील फॉर्चुनेट कि आप टाइम निकाल कर, आज दिन में मैंने आपको फोन किया था, जाहिर है व्यस्तता होती है आपकी बहुत ज्यादा, लेकिन तब भी आप चलते चलते अम्बेडकर नामा पे आई हैं, इसके लिए शुक्रिया। जी, मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद किया, क्योंकि ये अंबेडकर नामा में अगर हुल दिवस से संबंधित चर्चा नहीं होती तो वाकई आपने जैसा कहा कुछ चूक रह जाती। यस यस, डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें भाग लेने। कैसे याद करें, देखिए आप जो है वाइस चांसलर हैं सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी की, और आज उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे याद किया जाए, उनके सपने क्या थे इतिहास लेखन में? 1857 की बात आती है, मंगल पांडे की बात आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उससे 100 साल पहले से तिलका मांझी से जो चला आ रहा है पूरी परंपरा, आदिवासी लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए, वो कहीं ना कहीं दबा दिया गया। अगर उस चर्बी का मामला नहीं होता तो मंगल पांडे ब्रिटिश हुकूमत के सिपाही ही होते, लेकिन जिन लोगों ने शहादत दी उसके पीछे 100 साल में, उसको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, तो कैसे याद किया जाए? और आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं होगा जो इसको इस बात पे अपनी राय रखे। जी जी रतनलाल जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज इस बहुत गहन प्रश्न के सामने एकदम मुझे फेस करवा दिया, जिसको शायद आज पूरे दिन, बल्कि मेरी यूनिवर्सिटी में हम लोग 28 तारीख से ही, मंडे से ही कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं जो कि जैसे आदिवासी डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन झारखंड, ऐसे मुद्दों पर, और वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार था और बहुत लोगों ने भाग लिया, तो मैं हमारी व्यस्तता 28 तारीख से चल रही है, उसके बावजूद चूंकि ये अंबेडकर नामा की ओर से आपका निमंत्रण था इसलिए समय निकालना तो बहुत जरूरी था, और ये समय निकालने की बात भी पार्ट ऑफ वही सवाल, क्वेश्चन का आंसर है कि कैसे हम जो प्रश्न पहले तिलका मांझी के इर्द गिर्द उभरी, उन्होंने अपनी सीमाओं के अंदर अपनी सीमित रिसोर्सेस के साथ जो किया वो फिर से उभर कर आया 1855 में, और 1855 30 जून 1855 एक दिन में नहीं उभर कर आया, उसके पीछे भी बैकग्राउंड रहा होगा, क्योंकि ये सशस्त्र 60,000 लोगों की सेना की बात थी,
अब ये मानिए कि केवल संथाल परगना उस समय जैसी आबादी रही होगी, क्या संथाल परगना के क्षेत्र में 60,000 सशस्त्र लोग नहीं रहे होंगे, परंतु अभी जब हम लोग हिस्ट्री की बातों को देख रहे थे तो वीरभूम मानभूम वगैरह इलाकों से भी लोग आए थे। बल्कि कल शाम को हम लोगों ने ढाका से एक कार्यक्रम रखा गया था हुल दिवस का, और क्योंकि बांग्लादेश में भी संताल उरांव और हमारे आदिवासी लोग काफी हैं, तो उन लोगों क्योंकि उस समय 1855 के का जो नक्शा था उस समय तो पूरा कंटिगुअस एरिया था और जिसमें लोग थे, और ये बराबर जो जो प्रशासन उस समय था उसका समान दबाव था। परंतु अभी मुझे, क्योंकि मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ और हिस्टोरियन भी नहीं हूँ, रतन लाल जी आपकी सहायता इसमें आवश्यक होगी, मुझे बहुत ही आवश्यकता होगी क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और फिर डेटा ही ढूंढती हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ इसलिए। और अभी तक जो बातें उभर के आई हैं कि 20,000 लोगों की शहादत हुई केवल इन इन सिद्धू कानू का नाम आया क्योंकि वो लीडर्स थे। और एक बात नोट करने की ये है कि आपने सही बतलाया कि चांद भैरव जो उनके निज भाई थे और फूलो और झानो जो उनकी निज बहनें थीं, ये इन लोगों को फांसी नहीं हुई थी जुलाई के महीने तक में, परंतु ये पूरा मार्शल लॉ हुआ और ये पूरी लड़ाई लड़ाई जनवरी 1856 तक चली जब तक मार्शल लॉ चला था, और उसमें और इसी दौरान में 20,000 लोग शहीद हुए थे उनको उनके उनका उन, तो इस तरह से ये बहुत ही खून खराबे वाला युद्ध था, लड़ाई थी, केवल विद्रोह नहीं था, ये बिल्कुल लड़ाई थी। पर कैसे ये कैसे आया होगा इसमें, मैं सोच रही थी और कल ही जब मैं बोल रही थी तो मुझे लगता है जब भी आदिवासी अस्तित्व की बात होती है तो जल जंगल जमीन बोला जाता है, पर मुझे लगता है इस ऑर्डर को रिवर्स करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पुरखों के हमारे ये जो लेजेंड्स हमारी लेगेसी आई है तिलका मांझी और सिद्धू कानू मुर्मू से, जमीन फिर जंगल और जल, तो हमारे मुझे लगता है बोलने में अब हम लोग इतने आदि हो गए हैं कि जल जंगल जमीन, बट मुझे लगता है ये जरूर होना चाहिए था जमीन जंगल जल, क्योंकि पहले जमीन। और जिस तरह से आदिवासियों को छलावे के साथ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के एक लेयर को बनाकर उस समय छलावे, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस समय ये भूमि किसी की नहीं थी, परंतु जो उसको टिल करते थे, जिस खेती करते थे, उन्होंने अपनी मतलब वो कम्युनिटी ओनरशिप की थी, इंडिविजुअल ओनरशिप की नहीं, पर बहुत ही इसलिए छलावे के साथ इस पूरी जमीन को अपने कब्जे पे किया और छलावे के साथ ये बोल दिया गया कि ये तुम्हारी नहीं है। और तो जिन आदिवासियों का अस्तित्व जमीन के साथ था उस समय की बात मैं बोल रही हूँ, तो उनके अस्तित्व को ही काटने की बात हुई थी, और इसलिए ये अस्तित्व की लड़ाई थी ना कि केवल जमीन मात्र की लड़ाई थी। और इस बात को मुझे लगता है कि हमें बहुत कई एक डायमेंशन से अप्रोच करके देखना होगा कि क्या ये वाकई में केवल अस्तित्व की जमीन की लड़ाई थी या प्रशासन की लड़ाई थी। पर मुझे भाषा संस्कृति सब कुछ की लड़ाई थी। जी 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 जी, और इसलिए अस्तित्व की लड़ाई थी जैसा मैंने कहा। और परंतु अब वो उस समय हो गया, परंतु उसके बाद 1857 आया, आप हिस्टोरियन है, 1857 की पृष्ठभूमि आपने बताई, और कैसे 1857 के बाद की पूरी हिस्ट्री अभी स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है, परंतु ये सबाल्टर्न ट्रीटमेंट, ये जब भी ये वर्ड सबाल्टर्न अभी हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं शायद पिछले 20 सालों में, परंतु ट्रीटमेंट तो उस समय भी था सबाल्टर्न, और इसीलिए ये सबाल्टर्न हिस्ट्री या सबाल्टर्न अपराइजिंग का कभी कहीं नामो निशाना नहीं हुआ। अभी हम लोग इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, फिर भी इन चर्चाओं के बावजूद
उस इन सबाल्टर्न अपराइजिंग या उन सबाल्टर्न हिस्ट्री को या सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे फ्रेमवर्क्स को रिविजिट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेनस्ट्रीम और सबाल्टर्न ये शब्द किन्होंने दिया है, यूरोप से आया होगा, और तो इसलिए हमें फिर से उसको रिविजिट करने की आवश्यकता है कि क्यों ये बातें सबाल्टर्न अभी भी रह गई, जबकि हम लोग पिछले 25 सालों से इन बातों को चर्चा कर रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत लड़ाई करने के बाद हमें भगवान वीर बिरसा का कोई वो अस्तित्व मिल पाया, पर अभी तक उनके उनसे पहले हम तिलका मांझी और सिद्धू कानू को अभी तक नहीं वो मिल पाया है। और मुझे लगता है ये कई एक आयामों से एक एकेडमिक क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम जब भी आपसे बात करते हैं प्रोफेसर मीन, तो मैं आपको एक सीनियर एकेडमिक कलीग की तरह ही बात करता हूं, और शायद आप गवर्नर भी बनेंगे तभी मैं वैसे ही बात करूंगा, वैसे ही बात करूंगा, और मुझे ये बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है कि उसमें जो आपने सवाल उठाए, अबुआ राज तो झारखंड राज्य बन गया, तो वहां एक एकेडमी बनना चाहिए था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काशी प्रसाद जायसवाल पर जब काम किया था उन्होंने ट्राइबल लैंग्वेज पर, उन्होंने पटना असेंबली में सवाल उठाए थे काशी प्रसाद जायसवाल ने, और मुझे लगता है कि भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, ट्राइबल कल्चर को लेकर झारखंड में, और खास तौर से जिस क्रांति की हम बात कर रहे हैं उसमें आंकड़े इकट्ठे होने चाहिए, और लोक स्मृति में क्या है उस क्रांति को लेकर, लोकगीतों में कैसा है, एक बार होना चाहिए इस पे। जी, जी, जी। इस पे कुछ अबुआ राज तो आ गया है ना झारखंड में, और उसमें कुछ काम आगे बढ़ रहा है, और आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव है ये भी बताइए, ज्यादा दिलचस्प होगा। मुझे लगता है एकेडमिक प्लेटफॉर्म में को अगर देखा जाए तो कुछ कोशिशें हो रही हैं कि कम से कम भाषा और संस्कृति की पढ़ाई भाषा के माध्यम से हो सके, और इसलिए रांची यूनिवर्सिटी में ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस का इंस्टीट्यूट है, परंतु मुझे लगता है इस इंस्टीट्यूट के को अपने आप से मुखर होकर उसको और पनपने का अवसर नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी भी वो जो साहित्य से संबंधित और भाषा की जो लड़ाई है उसमें वो फंस गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट है, तो ट्राइबल लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बनाया गया, और रीजनल लैंग्वेजेस का भी अपना ही उनका भी महत्व है, मैं उनको बिल्कुल में अभी उनको सबाल्टर्न नहीं करना चाहती, परंतु दोनों को एक दूसरे से कम्पीट नहीं कराना था, दोनों को इंडिपेंडेंटली बढ़ने के लिए एक मौका मिलना चाहिए था। ये 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 कमी मैंने यहाँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी आने से पहले मैंने ये महसूस किया, पर क्योंकि मैं बार बार सोचती हूँ कि क्यों इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो एकेडमिक विजिबिलिटी हमारी भाषाओं को, भाषा के साहित्य को, भाषा के काम को, और उस तरह से संस्कृति के एक आयाम को क्यों नहीं मिल पाया है, क्योंकि सबको कॉम्पिटिटर बना दिया गया है, ना कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ के लिए, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट बना दिया गया, और इंस्टीट्यूट में जैसा आपने कहा एकेडमी वर्सेस इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट में उनको सबको कंपीट करने के लिए छोड़ दिया गया, पर उसके साथ साथ अगर दोनों को बायफोकेट भी किया जाता है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है संस्कृति पर वो ये नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि भाषा ऑफ कोर्स संस्कृति का एक आयाम है, परंतु संस्कृति भाषा को एनवलप करती है, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि संस्कृति को भी एक सुलझे हुए तरीके से वो अटेंशन मिलना चाहिए। मैंने सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में अभी तक क्या किया, एक साल हो गए हैं, और रतन जी आपको मैं बतलाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज आफ्टरनून में 3 बजे से 5 बजे तक हमारा एक वेबिनार मोड में ही
एक सेमिनार की तरह हुआ, एक इवेंट आयोजन किया गया जिसमें हम लोगों ने बहुत एकेडमिक बातें बहुत ज्यादा नहीं की। हमने एकेडमिक बातें 28 तारीख को की, पर आज के दिन हम लोग संस्कृति को रिविजिट करना चाहते थे। और इसे हमारे दो ही वक्ता थे जिसमें हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली एक बहुत यंग रिसर्चर को जो कि हुल की प्रासंगिकता पर अपना रिसर्च कर रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं को हम लोगों ने ढूंढकर आज हमारे लिए एक रिसोर्स पर्सन बनाया। पर उससे ज्यादा बात मैं बतलाना चाहती हूँ कि हमने कहा कि समाज में एक ऐसे पर्सन को जो जो जाने मान जाने जाते हैं अपने संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग लाएंगे। वो हुल से संबंधित एक या उससे ज्यादा गीतों को गाएंगे और उस गीत की पृष्ठभूमि क्या है और इस गीत में का क्या सारांश है और उस गीत से क्या कम्युनिकेशन होता है, इस बात को हमें बतलाएंगे। और उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह से सभी बातों को कहा और बहुत केवल उन्होंने उस गीत की व्याख्या केवल नहीं की बल्कि उन्होंने केवल संताली में बोला। हमने कहा कि उनकी वो जो बोलेंगे अगर क्रिस्पली उसको अंग्रेजी में केवल उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाकर दे दें ताकि हमारे जो सेशन चेयर होंगे जो हमारे एक हिस्टोरियन कुणाल चक्रवर्ती वो हमारे सेशन चेयर थे। अच्छा, वो थे यार। जी हाँ जी जी जी, तो उनके बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए और जो लोग संताली भाषा नहीं जानते हैं उनके बेनिफिट के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट अगर होता तो उन्होंने दिया था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी उस एब्स्ट्रैक्ट को सर्कुलेट किया पर उन्होंने कई एक बातों को बहुत चुन चुन के बहुत सुंदर तरीके से बतलाई संताली भाषा में। मैंने कहा संताली में होगा ये पूरा उनका पूरा 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 स्पीच संताली में होगा, वो एक भी इंग्लिश और हिंदी नहीं बोलेंगे हम लोगों के हमारे बेनिफिट के लिए या हम पर दया करके। और उन्होंने बहुत ही चुन चुन कर बातों को सामने लाया जो रिकॉर्डेड है, जो हमारा संस्कृति से संबंधित जो रिसोर्स जनरेशन की का हमारा एफर्ट है उसमें आज हमारा पहला प्रयास था और हमारा आज पहला रिसोर्स इस तरह से जनरेट हो पाया है। अभी इनकी बोली हुई बातें, क्योंकि उन्होंने की एक बातें उनको कही कि संताल परगना एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हुल के कारण, संतालों के कारण इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा। तो ये सब बातें उन्होंने हुल के बाद की बातें कही पर हुल के पहले की भी बातों को उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बतलाया जिन सबको मैं नहीं समझ पाई। पर मेरी आशा है कि आज जो हमारे इनका नाम है सर्जन हंसदा, उन सर्जन हंसदा जी ने जो मटेरियल हमारे सामने रखा है उस वहां से हुल से संबंधित चर्चाएं नहीं पर रिसर्च शुरू होंगे, क्योंकि चर्चा हम लोगों ने बहुत कर लिया पर रिसर्च और पब्लिकेशन करना हमारा काम है। हमारे पास संताल एकेडमी नाम की एक छोटी एक यूनिट है, एंटिटी है यूनिवर्सिटी में, वो एक डिपार्टमेंट की तरह नहीं है पर एकेडमी है। और मैंने संताल एकेडमी इसको रिपीट कीजिए प्रोफेसर मेंज, संताल एकेडमी यूनिवर्सिटी में है। जी हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में संताल एकेडमी नाम की एक एंटिटी है जिसको एकेडमी बोल दिया गया। उसका क्या स्वर, उसके क्या क्या काम होंगे, तो हाँ कुछ 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 संस्कृति से संबंधित, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं इसको मानती हूँ क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट नहीं है। जी, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट होता तो फिर वही डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन UGC के क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे चुने चुने लोग ही केवल उसमें हो सकते हैं। परंतु संताल एकेडमी को मैं वो लेबोरेटरी मानती हूँ जहाँ हम समाज के उन सभी ज्ञानवानों को जो हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में के अनुसार वो क्वालिफाई नहीं होते परंतु वो समाज की जो जो रिसोर्सेस उनके पास अभी भी मेमोरी में है उनको उनको वो ला सकेंगे, हम रिकॉर्ड कर सकेंगे, उनके साथ चर्चाएं कर सकेंगे जैसा आज हमने किया। और संताल एकेडमी एक वो आर्काइव जनरेट करना शुरू करे इन सभी चीजों को, इन सभी रिसोर्सेस का, ताकि रिसर्च शुरू यहाँ से होने सके, पब्लिकेशंस इन इस आर्काइव से शुरू होने सके। तो मैंने अपनी तरफ से संताल एकेडमी को एकेडमिक पर्पसेस के लिए, इससे पहले संताल एकेडमी का इस्तेमाल हुआ है फंड्स लाने के लिए, पर मैं अब चाहती हूँ कि संताल एकेडमी का इस्तेमाल हो
एकेडमिक पर्पसेस के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका हब, संताल कल्चर का ये हब बन जाए और यहाँ से रिसर्च की अनेक नदियाँ बहें और ये होते होते मेरा ये सपना होगा, क्योंकि और 2 साल रह गए हैं तो कम से कम 1 साल के अंदर मैं चाहूँगी कि हम सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के लोग, क्योंकि ये मेरा बेबी नहीं होगा परंतु सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का एक बर्डन होकर ये एक ऐसा सेंटर बन जाए जो कि ट्राइबल रिसर्च और विशेष करके संताल और हमारे इस क्षेत्र में मालतू भी हैं, माल पहाड़िया और दूसरे जो छोटे छोटे ट्राइब्स भी हैं उन सब के लिए उन सब के संबंध में एक म्यूजियम तो नहीं परंतु एक आर्काइवल सेंटर हो जाए, म्यूजियम भी हो सकता है आजकल डिजिटल म्यूजियम, और साथ साथ एक ऐसा रिसोर्स सेंटर हो ताकि लोग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एथनोग्राफिस्ट संसार के कहीं से भी आते हैं हमारे गांवों में केवल ना जाएं, अपना डेटा प्राइमरी डेटा केवल कलेक्ट ना करें पर प्राइमरी डेटा के लिए वो संताल एकेडमी से शुरुआत करने सकेंगे। तो ये हमने अभी तक करने की कोशिश की है। और जानती हैं मैं यही उम्मीद कर रहा था कि आप यही सब करेंगी और उसके लिए बधाई और अम्बेडकर नामा के पूरे परिवार की ओर से आपको बधाई कि वहां आप जिस काम के लिए गई हैं ये काम, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको डिजिटल फॉर्म करना, उसको प्रिंटिंग कराना, जैसे आपने संथाल लैंग्वेज की बात की जी। उसका डिजिटल प्रिंटिंग फ्यूचर जनरेशन के काम आएगा, उनके लोक संस्कृति में क्या है, वो क्या सोचते हैं, कैसे दुनिया को देखते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी काम है सोशल साइंटिस्ट के लिए। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप ये काम करेंगे और मुझे लग रहा है कि हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं उसका सही दिशा में जा रहा है। प्रोफेसर मिंज एक बात बताइए, आप रांची की हैं, आपके फादर बड़े इंटेलेक्चुअल थे वहां पे और आप, मैंने पिछला एपिसोड जब बनाया था तो मैंने टाइटल दिया था तुमसे ना हो पाएगा, आपके टीचर ने कहा था कि ना हो पाएगा, तक आपने करके दिखा दिया जी। क्या 1855 अभी भी जिंदा है? 1855 जिंदा है और तब तक जिंदा रहना है जब तक हमारे संविधान का प्रियम्बल साकार नहीं हो जाता। क्या बात है, आज अब इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज आप भी थक गई हैं दिन भर कार्यक्रम में, लेकिन आज एक कार्यक्रम में आपका खर्चा बढ़ गया है, जानती हैं क्यों? बतलाइए। ये अनायास है कि दिन भर में ब्लैक जैकेट पहना हुआ था और आज आपकी साड़ी का जो कलर है अभी आपसे बात करने के लिए मैंने चेंज किया, तो हम जब भी आपसे मिलेंगे आपको मुझे गिफ्ट देना होगा इसी कलर का। जी, ये संताल ट्रेडिशनल कपड़ा है और अच्छा? आज मैं पूरे दिन जी आज मैं पूरे दिन यही, पिछले एपिसोड में आप ग्रीन पहनी थी जो उस दिन का कलर था, पिछले 5 तारीख को 5 जून जी शायद उस दिन भी पहन रखा था। जी हाँ हाँ जी हाँ। देखिए संयोग देखिए तो आपका खर्चा बढ़ गया, ये संताल कलर है, ये मेरा प्लेजर है, दिस इज माय प्लेजर, संताल कलर है ये। हाँ ये सब सारे जो नेचुरल कलर है ना, संताल कलर बहुत एक ग्रीन है परंतु ये सब भी है ट्रेडिशनल कलर है। अच्छा ओके फाइन, चलिए आपका खर्चा बढ़ गया, हम जब भी आपसे मिलेंगे आपसे हम गिफ्ट लेंगे इसी कलर का लेंगे। जी जरूर, शुक्रिया। आप थक गए होंगे दिन भर, आप बड़े पोजीशन पे हैं, दिन भर लोगों से मिलना जुलना बात करना बहुत मुश्किल काम होता है, आपने अम्बेडकर नामा के लिए टाइम निकाला ये हमारे लिए स्वाभाविक की बात है, शुक्रिया। और आपको बीच बीच में आते रहना है, कुछ भी बात करना हो तो हम लोग एक बार बात कर लेंगे, और आइए बात कीजिए, हाँ लोग आते हैं, कम ही मेरा अम्बेडकर नामा छोटा परिवार है लेकिन गंभीर परिवार है। शुक्रिया प्रोफेसर मेन जी, बहुत शुक्रिया आपको भी आपके अम्बेडकर नामा के जरिए कुछ बातें जो केवल शायद आदिवासी लोग आपस में बात करते हैं परंतु इसके जरिए हम लोग लार्जर जो बहुजन समाज के पास अपनी बातों को पहुंचाने के लिए एक बहुत बहुत सशक्त माध्यम है। मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज आप जानती हैं कि मैं इतने लोगों को तलाश कर रहा हूं, मैंने कितने लोगों को फोन किया होगा और कि आप आइए अम्बेडकर नामा में बात करिए,
और ये मंच आपका है, आपको जो कहना है, समय की पाबंदी भी नहीं है। तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि जिनको आपने बुलाया था, जो संताली भाषा बोल रहे थे जी, उनको भी एक दिन अंबेडकर नामा पिलाई। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। जितने इस तरह के लोग हैं, सब लोग आए, बात रखें, लोग दुनिया तो जाने कि क्या है, मतलब झारखंड में क्या है, कितनी परंपराएं हैं, भाषाएं हैं, कल्चर हैं। जी, तो ये हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक रिसोर्स पर्सन हमें दे दें, जिनसे भी बुलवाना हो उनसे हम बात करेंगे। जी 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 शुक्रिया।